नमस्कार, एसएसटी प्राइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पायल मिंडे फ्रॉम एसवाईआई। चलिए देखते हैं अब तक की मुख्य खबरें। इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में एसएसटी कॉलेज का डंका। बीएमएस द्वारा स्ट्रेटेजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएटी और सेट विषय पर सेशन का आयोजन। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स ने वॉक विथ स्कॉलर प्रोग्राम का आयोजन। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने किया ग्लोबल होराइजन प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन पर वर्कशॉप का आयोजन। एसएसटी के नाम उड़ान फेस्टिवल के सारे पुरस्कार। एसएसटीएन ने फिर से जीता म्यूजिक कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने किया स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर बेटर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर सेमिनार। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बीसीबीआई डिपार्टमेंट ने किया वर्कशॉप का आयोजन। बीएएमएमसी डिपार्टमेंट का यूफोरिया धूमधाम से हुआ सेलिब्रेट। डीएलएलई डिपार्टमेंट के स्वच्छगिरी फाउंडेशन के साथ मिलकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। वुमेन डेवलपमेंट सेल ने ब्रेकिंग द बाइनरी जैसे अलग विषय पर किया सेमिनार। अचीवर्स कॉलेज में स्ट्रीट प्ले कंपटीशन में डीएलएल की जीत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में एसएसटी कॉलेज का डंक। एसएसटी कॉलेज के नाम हर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में रोशन करने की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए वीके मेनन कॉलेज और बिरला कॉलेज में हुई कॉम्पिटिशन में एसएसटी के स्टूडेंट्स ने जीत हासिल। वीके मेनन कॉलेज में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में समाधान बाबुल ने सेकंड प्राइज तो वही मेकअप कंपटीशन में लक्ष्मी कामले ने थर्ड प्राइज। एसएसटीएंस ने बिरलोत्सव में स्किट परफॉर्मेंस के लिए सेकंड प्राइज जीता तो रैप कंपटीशन के लिए सेकंड प्राइज के साथ सोलो डांस में कॉन्सोलेशन प्राइज हासिल किया। बीएमएस द्वारा स्ट्रेटेजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएटी और सेट विषय पर सेशन का आयोजन। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के द्वारा स्ट्रेटेजिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएटी और सेट विषय पर सेशन का आयोजन किया। सस्मीरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मार्केटिंग हेड माननीय डॉक्टर संपूर्ण मेहता जी, इन्होंने स्टूडेंट्स को गाइड किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करें और कैसे पढ़ाई करें इस बारे में जानकारी, जो आगे चल के यही जानकारी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगी। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स में वॉक विथ स्कॉलर प्रोग्राम का आयोजन। स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट गाइडेंस देने के हेतु से वॉक विद स्कॉलर प्रोग्राम का हर डिपार्टमेंट आयोजन करता है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट के द्वारा वॉक विद स्कॉलर द्वारा हाउ टू चूज करियर पाथ आफ्टर ग्रेजुएशन इस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। कॉलेज के एलुमनाई और प्रोफेसर संकेत शेलके, इन्होंने सारे स्टूडेंट्स को जानकारी दी ग्रेजुएशन के बाद अपने करियर कैसे चुने और कैसे इनके लिए प्रयास करें इसके बारे में बताया। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने किया ग्लोबल होराइजन प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन पर वर्कशॉप का आयोजन। आजकल बहुत से स्टूडेंट दुनिया भर पढ़ाई करने जा रहे हैं, इसलिए किसी भी देश में जाकर पढ़ाई कैसे करें और उसकी प्लानिंग कैसे की जाए इसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी देने के हेतु से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने किया ग्लोबल होराइजन प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन पर वर्कशॉप का आयोजन, जिसमें किसी भी स्टूडेंट को अगर इंटरनेशनल एजुकेशन करना है तो वो कैसे करे इसके बारे में गाइड किया गया। ऋतुजा काकड़े और टॉम सुचा कुमार जी, इन्होंने सभी स्टूडेंट को ये अमूल्य जानकारी दी। एसएसटी के नाम उड़ान फेस्टिवल के सारे पुरस्कार। थाने और आसपास के सारे कॉलेजेस में भी सभी इवेंट में जीतने जैसे एसएसटीएंस की आदत ही हो गई। इस कड़ी को बरकरार रखते हुए एसएसटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने थाने के बांदोड़कर कॉलेज में हुए मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के लाइफ लॉन्ग लर्निंग द्वारा आयोजित उड़ान उत्सव में सारे कैटेगरीज कॉम्पिटिशन को, जिसमें स्ट्रीट प्ले में फर्स्ट प्राइज, कोवाड़ा सिंगिंग में सेकंड प्राइज, पोस्टर मेकिंग में सेकंड प्राइज, एलोकेशन और क्रिएटिव राइटिंग में भी कंसोलेशन पुरस्कार जीतकर एसएसटी कॉलेज का नाम रोशन किया। एसएसटीएन ने फिर से जीता म्यूजिक कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज। हाल ही में साकेत कॉलेज में हुए रोचक इवेंट में एसएसटीएन कबीर कुमार ने अपने जीतने की परंपरा को कायम रखा। सोलो सिंगिंग कंपटीशन में कबीर फर्स्ट प्राइज के हकदार रहे। वहीं रॉयल कॉलेज में बेडेकर कॉलेज में हुए इंस्ट्रूमेंटल कंपटीशन में जैसन फर्नांडिस और बोयाज ने डुएट और सोलो कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने किया स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर बेटर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर सेमिनार का आयोजन। एसएसटी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर बेटर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर सेमिनार का आयोजन किया। प्रोफेसर शैलेंद्र मिश्रा जी ने रिसोर्स पर्सन के तौर पर स्टूडेंट्स को गाइड किया। आजकल के युग में अपने स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और अपने अच्छे एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को कैसे बेहतर करें इस बारे में जानकारी दी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बीसीबीआई डिपार्टमेंट ने किया वर्कशॉप का आयोजन। प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना भी एजुकेशन का एक भाग होता है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए बीसीडीआई डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टॉपिक पर वर्कशॉप आयोजित किया। असिस्टेंट प्रोफेसर संजय पैटनकर जी, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट और उनके स्किल्स के बारे में बताकर स्टूडेंट्स को गाइड किया। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय में कैसे स्किल्स चाहती है, उसे सभी स्टूडेंट कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। बीएएमएमसी डिपार्टमेंट का यूफोरिया धूमधाम से हुआ सेलिब्रेट। एसएसटी कॉलेज के बीएएमएमसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट कॉलेज में बाकी सभी डिपार्टमेंट के लिए फोटोग्राफी, बॉलीवुड डे जैसे अनोखे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बीएएमएमसी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा माने जाने वाला इवेंट यानी कि यूफोरिया का हाल ही में आयोजन किया गया। इसमें सही पकड़े है, झलक दिखला जा, ताल से ताल मिले जैसे कॉम्पिटिशन में सभी ने बड़े ही उत्साह से सहभाग लिया। हर इवेंट के विनर को ट्रॉफी दी गई, साथ ही सबसे ज्यादा प्राइजेस जीतने वाले बीसीबीआई डिपार्टमेंट ने रोटेटिंग ट्रॉफी अपने नाम की। डीएलएलई डिपार्टमेंट में स्वच्छगिरी फाउंडेशन के साथ मिलकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कॉलेज का डीएलएलई यूनिट हमेशा ही समाज के उपयोगी काम करता है। हाल ही में दिवाली की पूजा में यूज हुए हटरी को रिसाइकल करके उस मिट्टी से वृक्षारोपण करने का अभिनव उपक्रम यूनिट ने किया। स्वच्छगिरी फाउंडेशन के साथ मिलकर यही एक्टिविटी की गई, जिसमें 100 से भी ज्यादा पेड़ उसी मिट्टी से लगाए गए। इस एक्टिविटी से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वुमन डेवलपमेंट सेल ने ब्रेकिंग द बाइनरी जैसे अलग विषय पर किया सेमिनार। एसएसटी कॉलेज का वुमन डेवलपमेंट सेल सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स ही नहीं, सभी के लिए यूजफुल इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। हाल ही में ब्रेकिंग द बाइनरी जर्नी इंटू जेंडर आइडेंटिटी, इस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। डॉक्टर योगी नाम्बियार जी, इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में सभी उपस्थित स्टूडेंट को बताया। हमें अपने शरीर की बायोलॉजी के बारे में बहुत कम पता होता है, उसके बारे में बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने स्टूडेंट्स का गाइड किया। अचीवर्स कॉलेज में स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन में डीएलएलई की जीत। अलग अलग कॉम्पिटिशन में जीतने की जैसे एसएसटी कॉलेज की परंपरा ही बन गई है। कॉलेज के कल्चरल कमेटी और डीएलएलई यूनिट के स्टूडेंट्स ने कल्याण के अचीवर्स कॉलेज के स्ट्रीट प्ले कंपटीशन में सेकंड प्राइज जीतकर एसएससी का झंडा फिर लहराया। हर्षल सूर्यवंशी और सदन जावरे, इन्होंने इस स्ट्रीट प्ले का डायरेक्शन किया था। यह थी अब तक की मुख्य खबरें। मिलते हैं अगले एसएससी प्राइम बुलेटिन में। धन्यवाद।